एक ऐसा गांव जहां आज तक बारिश नहीं हुई है, और एक ऐसा देश जहां भारत का 1 रुपया 571 रुपयों के बराबर है। आज हम आपको ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5, बारिश से पहले काले कैसे हो जाते हैं बादल। दरअसल बारिश से पहले बादलों के काले रंग के दिखाई देने के पीछे सूरज की ही रोशनी है। गर्मी के चलते तेजी से समुद्र नदियों का पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और बादलों में पानी भर जाता है। अब क्योंकि भारत में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है और इसके चलते सूरज की रोशनी बादलों के आर पार नहीं जा पाती, इसके चलते ही बादल काले दिखाई देते हैं। हालांकि अगर हवाई जहाज में बैठकर जब बादलों को देखते हैं तो आपको बादल हमेशा सफेद ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर से बादलों पर सूरज की रोशनी तो पड़ रही है लेकिन वह पानी के चलते आर पार नहीं हो पाती और बादल नीचे से काले ही दिखाई देते हैं। नंबर 4, डॉक्टर सफेद और वकील काले कपड़े क्यों पहनते हैं। चिकित्सा में साफ सफाई को काफी महत्व दिया जाता है। डॉक्टर और नर्सेज इसलिए भी सफेद कोट पहनते हैं क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गंदगी उनके कपड़ों पर लग जाए तो उसका आसानी से पता लग सके। सफेद कोट के कारण डॉक्टर को भीड़ में आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इमरजेंसी के लिए बहुत कारगर साबित होता है। सफेद रंग के कोट की वजह से शरीर का तापमान भी सामान्य रहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सफेद रंग के कपड़े पहनने से दिमाग शांत रहता है और डॉक्टर के लिए उनके काम के लिहाज से उनका दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए। अब वकील काला कपड़ा क्यों पहनते हैं। वह वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा काला कोट पहनने का कारण यह है कि काला रंग एक ऐसा रंग है जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ सकता। मतलब यह है कि न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। वह वकीलों के लिए इसका मतलब यह है कि वे अपनी राय विचार और कानूनी प्रक्रियाओं की व्यवस्था करते समय विवेक और धैर्य के साथ काम ले और न्यायपूर्वक फैसले के लिए काम करें जिससे कभी भी किसी के साथ अन्याय ना हो। नंबर 3, दुनिया का एक ऐसा गांव जहां पर आज तक कभी भी बारिश नहीं हुई है। केलेमा नामक एक विलेज है, वहां पे 1501 से एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है, यानी कि 400 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं पर वहां पर एक भी बूंद पानी नहीं गिरा है। और अगर ये सच है तो ये प्लेनेट का सबसे ड्राइएस्ट स्पॉट है। नंबर 2, जब भी करेंसी की बात आती है तो सब लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी यूएसए के सामने बहुत कम है। लगभग यूएसए का $1 इंडिया का 71 रुपए के बराबर है, पर इंडिया की करेंसी सबसे कम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे सबसे कमजोर करेंसी वाला देश। तो दोस्तों, सबसे कम करेंसी वाला देश है ईरान। दोस्तों ईरान नहीं, इराक। इराक एक बहुत ही गरीब देश है, यहाँ कुछ लोगों के पास पैसा है, बाकी सब गरीब है। इंडिया का 1 रुपया इराक के लगभग 571 रियाल के बराबर है और अमेरिका का तो $1 लगभग 40,000 रियाल के बराबर है। नंबर 1, ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता है। हमारे घर में कुछ भी लोहे की चीज होती है उस पर जंग लग जाता है लेकिन ट्रेन की पटरी पर जंग नहीं लगता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास तरह की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील और मैग्लोय को मिलाकर ट्रेन की पटरी को तैयार किया जाता है। स्टील और मैग्लोय के इस मिक्सचर को मैग्नेटिक स्टील कहा जाता है। इसी से ट्रेन की पटरी बनाई जाती है। इस वजह से लोहे की पटरी में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता जिसकी वजह से ट्रेन की पटरियों में जंग नहीं लगती और यह सालों तक चलती रहती है। रेल की पटरियों को अगर आम लोहे से बनाया जाएगा तो हवा की कमी के कारण उसे जंग लग जाएगी। इसके बाद ट्रैक कमजोर हो सकता है, इसी वजह से पटरियों की मरम्मत जल्दी जल्दी करनी होगी। साथ ही इससे रेल हादसे ज्यादा होंगे। मरम्मत से बने और हादसों को कम करने के लिए रेलवे पटरियों को खास लोहे से तैयार किया जाता है और इसकी वजह से ट्रेन की पटरी पे कभी भी जंग नहीं लगता है और वो खराब नहीं होती है। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।